hello everyone this is me ansari shabnam and you are watching all about teaching as you can see on the screen that today we are going to do olympiad class i'm going to conduct an olympiad class for class 7 standard 7 topic wise mcqs will be there but which subject the subject is mathematics olympiad mathematics olympiad we are going to discuss so let us see the index part what are uh, what is the content that we'll see algebraic expression comparing quantities congruence of triangle data handling class exponents and power fractions and decimals इंटीजर्स लाइन्स एंड एंगल्स पेरीमीटर एंड एरिया प्रैक्टिकल जोमेट्री रैशनल नंबर्स सिंपल इक्वेशन सिमेट्री द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स यानी मिला जुला करके आपके फिफ्टीन टॉपिक्स है ये जो फिफ्टीन टॉपिक्स हम देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं लेटर्स लेटस सी द फर्स्ट क्वेश्चन The first question is how many terms are there in the expression two x square y The expression two x square y is a term hai this is only a single term a key term has me option a one. Let us see the answer. the answer is option a one only one term is there. दो टर्म को जोड़ करके यहाँ पर लिखा हुआ एक साइन भी दी हुई है साथ में तो इसे हम कहेंगे ये एक टर्म है एंड दिस वन इज दर टर्म मतलब ये वन एंड टू देर आर टू टर्म्स ऑप्शन बी टू टर्म्स आर देर अगर प्लस की साइन आती है माइनस की साइन आती है बीच में इसका मतलब कि वहाँ पर टर्म्स हैं ठीक है वो हम फिर उसको एज अ टर्म हम काउंट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन अब इसको देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं लुक एट दिस केयरफुली। ये एक टर्म ये दूसरा और ये है तीसरा सो देर आर थ्री टर्म्स इन टोटल टर्म्स आर देर थ्री टर्म्स आर देयर तो ये तीन क्वेश्चन हो गए अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन देशन इस टर्म में कितने कितने टर्म्स uh, हैं ये देखिए ये पहला टर्म दूसरा तीसरा और ये चौथा हाउ मेनी टर्म्स आर देर देर आर इन टोटल फोर टर्म्स डी फोर अब अंडरस्टूड हो गए कि, कि टर्म्स को कैसे पहचानना है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द टर्म्स अगर प्लस और माइनस की साइन होती है दो टर्म के बीच में देन इट इज कंसिडर्ड एज टू टर्म इफ़ देर इज कोई सपोज ये इस तरह से टू एक्स स्क्वेयर वाई जेड ए बी सी इस तरह से अगर किया हुआ है और बीच में कोई साइन नहीं है तो ये एक ही टर्म है दिस इज अ सिंगल टर्म

प्लस थ्री वाई अच्छा यहाँ पर ये जो फोर एक्स प्लस थ्री वाई है ना प्लस की साइन क्लियर नहीं हुई हाँ तो इसमें एक्स और वाई इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स ये वेरी करते हैं इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है हर एक्सप्रेशन में हर इक्वेशन्स में ये वेरी करती है डिफरेंट होती है इसीलिए वेरिएबल्स कहा जाता है और ये इसके साथ में वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर्स अगर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोफिशियंट दे आर कॉल्ड एज कोफिशंट सो वट इज द कोफिशियंट विथ एक्स एक्स के साथ जो कोफिशियंट है दैट इज फोर सो ऑप्शन डी फोर इज़ योर करेक्ट आंसर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट अगर आपको समझ आ रही है चीज़ें और आपको यूजफुल लग रही है देन ऑब्वियसली यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड हों

सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं एक्चुअली आई एम नॉट सो मच यूज टू इट तो ये uh, थोड़ा आगे पीछे हिल जा रहा है क्वेश्चन है ना अब uh, uh, मैं भी इसके लिए न्यू हूँ आई एम नॉट सो मच एक्वेंट विद इट हो जाऊंगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना थोड़ा बहुत हिल रहा है स्क्रीन यहाँ का वहां हो जा रहा है ये सब नहीं होगा नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स इट इज वॉट इज द कोफिशंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है टू माइनस एक्स प्लस वाई यू मे से कुछ है ही नहीं अगर कुछ नहीं है यहां पर प्लस होता तो सिर्फ हम वन कहते बट यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव वन होगा दैट इज माइनस वन क्वेश्चन नंबर सेवन एज वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स अच्छा ये कोफिशियंट के बारे में आप जान गए ना कोफिशियंट ऑफ एक्स का क्या है यहाँ पर वाई स्क्वेयर एक्स एक टर्म है और दूसरा टर्म है वाई इसमें तो एक्स है ही नहीं अगर एक्स का कोफिश पूछा यानी कि हमें इसको देखना वी हैव टू सी दिस वन दिस टर्म हियर एक्स इज देयर एक्स के साथ जो भी कुछ है दैट इज द कोफिशियंट वट इज देयर वाई स्क्वेयर सो वाई स्क्र इज द कोफिशियंट ऑप्शन ए वाई स्क्वेयर इज योर आंसर ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज इफ़ यू फाइंड दैट मिस और मैम इज़ गोइंग वेरी फास्ट और स्पीड बहुत, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्लीज़ लेट मी नो मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी कोशिश ही कर सकती हूँ क्योंकि मेरी आदत है बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलने की तो हालाँकि मैंने बहुत कंट्रोल भी किया है बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है थोड़ा सा स्लो होना चाहिए हम चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट करिए मैं कमेंट को हमेशा पढ़ती हूँ आई गो थ्रू ऑल दी कमेंट्स वहाँ पर कुछ रहेगा तो मैं ज़रूर उसके हिसाब से काम करूँगी आपके हिसाब से ओके नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन टू जेड माइनस थ्री एक्स जेड दॉरी टू जेड माइनस थ्री एक्स जेड है ना यहाँ पर पूछा गया एक्स का कोफिशेंट क्या है तो एक्स को छोड़ करके यहाँ पर और क्या टर्म्स बच रहे हैं इसमें माइनस थ्री जेड नेगेटिव साइन को हमेशा ध्यान में रखना नेगेटिव साइन को कभी इग्नोर नहीं करना यहाँ पर हम मार खा जाते हैं खास करके ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हम मार खाते ही हैं पक्का इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखना अगर नेगेटिव साइन है देन वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल माइनस थ्री जेड इज योर आंसर ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर नाइन इसके बाद हम नाइन और टेन दो ही क्वेश्चन देखेंगे और टेन पर हम स्टॉप करेंगे आज के लिए और फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे किसी और वीडियो में क्वेश्चन अच्छा नंबर भी वही चीज पूछ रहा है कि एक्स का कोफिशेंट क्या है एक्स का कोफिशियंट क्या है तो हमें क्या करना है ये जो एक्सप्रेशन है वन प्लस एक्स प्लस एक्स जेड इसमें हम एक काम करते हैं ये तो वन ही ऑलरेडी ये दोनों को ये दोनों में एक्स कॉमन है एक्स को बाहर निकाल लीजिए यहां पर बचा क्या वन प्लस यहां क्या बचा जेड तो एक्स का कोफिशियंट क्या है वन प्लस लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द कोफिशेंट ऑफ एक्स यहाँ भी आपको एक्स का ही कोफिशियंट पूछ रहा है सेम वे आपको करना है करना क्या है एक्स को बाहर निकाल लीजिए बचा क्या टू प्लस वाई स्क्वेर तो एक्स का कोफिशन क्या है टू प्लस वाई स्क्वेर अगर एक्स के दो दो टर्म्स आ रहे हैं तो हमें इस तरह से करना है कि एक्स को आप कॉमन ले लीजिए बाकी जो बचा टर्म है वो यहाँ रख दीजिए तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ और बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ बने रहिए ब बाय एवरीबॉडी टेक केयर हैव लॉट ऑफ फन